हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशबू परतानी, नेत्र विशेषज्ञ रायपुर से। बहुत से पेशेंट आते हैं, हमें पूछते हैं मोतियाबिंद क्या होता है, हमें कैसे हो गया, हमारे घर में तो किसी को नहीं था मोतियाबिंद। तो चलिए आज मैं आपको कुछ मोतियाबिंद के बारे में बताना चाहती हूँ। मोतियाबिंद हमारे आँखों का नॉर्मल लेंस है जो हमें भगवान के द्वारा मिला है और यह समय के साथ सफ़ेद हो रहा है। तो चलिए आज अपन अपने आँखों को जानते हैं। यह हमारे आंखों का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसे हम सामने कॉर्निया बोलते हैं। यह ब्राउन पार्ट जो आप सब जानते हैं आयरिस है, और पीछे ऐसा एक ट्रांसपेरेंट लेंस है जो नॉर्मली हमारे आंखों में होता है। जब भी रोशनी आयरिस से बीच में होते हुए जाती है तो यह नॉर्मल लेंस रोशनी को पीछे रेटिना तक नॉर्मली ले जाता है। आप जैसे देख रहे हैं यह एक ट्रांसपेरेंट लेंस है। समय के साथ यह ट्रांसपेरेंट लेंस जो कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, यह धीरे धीरे सफेद बनते जाता है। अगर अब यह लेंस सफेद हो गया तो यह रोशनी जो बीच से प्यूपिल से जाएगी वह रेटिना तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगी। तो इसी जाले को हम मोतियाबिंद का नाम देते हैं। यह मोतियाबिंद नॉर्मल लेंस समय के साथ सफेद होने को बोलते हैं। ऑपरेशन के दौरान हम इस नॉर्मल लेंस को जो सफेद हो चुका होता है इसे वापस निकाल के इसकी जगह एक ट्रांसपेरेंट लेंस वापस प्रत्यारोपित करते हैं। क्योंकि अब यह लेंस ट्रांसपेरेंट हो गया तो आप देख रहे हैं कि यहां से वापस रोशनी हमारी डायरेक्टली होते हुए आंख के रेटिना में जा सकती है। तो दोस्तों, मोतियाबिंद कुछ बहुत अलग नहीं है, आपका ही नॉर्मल लेंस है जो समय के साथ सफेद हो जा रहा है। धन्यवाद।